वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त पद्मावत सांग, जिसे लिखा है लक्ष्मीचंद जी ने और शामिल है आपके बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के पेपर में, जिसका नाम है हिंदी का मौखिक साहित्य। इसका बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो बेटा आपके लिए यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल हैं, आपने देख भी लिए होंगे कुछ। और ये लास्ट बचा था, इसको मैं आज बना रही हूँ बेटे आपके लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि लोक साहित्य, लोक नाट्य क्या होता है। किसी भी प्रदेश के जो लोक नाट्य होते हैं, वहाँ की संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, यानी कि वहाँ की संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि उसमें उस भूभाग का, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के अंचल विशेष के आदर्श, समाज, संस्कृति, जीवन मूल्य वगैरह को अभिनित किया जाता है, उनकी एक्टिंग होती है पूरी तरह से। तो लोक नाटकों में रामलीला, रासलीला, ख्याल, नाच, विदेशिया, नौटंकी की ही तरह सांग, जो कि हरियाणा का लोक नाट्य होता है, ये भी काफ़ी फेमस होता है। तो बेटा आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि रामलीला, रासलीला, ख्याल, नाच, विदेशिया, नौटंकी क्या होते हैं। इन सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिया था। आज के वीडियो में हमें आपको जो दिया गया सिलेबस में कि एक सांग है पद्मावत, संक्षिप्त पद्मावत, उसका हमें पढ़ना है बेटा। तो इसे रागनी के रूप में गाया जाता है। पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मीचंद, इनका जन्म 1901 में हुआ था गांव जाटी कला, जिला सोनीपत के पास, एक मध्यम वर्गीय गौण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म, लक्ष्मीचंद जी का। इनके पिता थे पंडित उमरी राम, जो कि एक साधारण किसान हुआ करते थे। तो लक्ष्मीचंद जी को स्कूल ना भेज करके गौचारण का काम सौंपा गया था, ना कि वो गायों को चराया करते थे। गीत संगीत का शौक उनको बचपन से ही था, तो ग्वालों के साथ घूमते घूमते उनके अपने मुंह से वो टूटे फूटे गीतों की पंक्तियां गुनगुनाया करते थे, छोटे मोटे छंद लिखा करते थे। साथ ही मान सिंह को अपना गुरु माना करते थे। तो लक्ष्मीचंद के प्रारंभिक सांगों में प्रेम और श्रृंगार का चित्रण ज्यादा मिलता है। जो शुरुआती इनके सांग थे, उनमें प्रेम और श्रृंगार का वर्णन ज्यादा मिलता है, इसलिए युवा वर्ग ने इनको काफी पसंद किया। और प्रौढ़ लोग जो थे वो इनको सुनने में परहेज करते रहे, क्योंकि प्रौढ़ लोग रोमांटिक चीजें सुने वो उस टाइम के समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि लक्ष्मीचंद जो थे ये बहु की प्रतिभा के धनी थे। सिर्फ एक सशक्त कवि ही नहीं, बल्कि एक महान दानी और लोक कल्याण की भावना से उत्पोत एक समाज सुधारक भी थे। तो हरियाणवी लोक साहित्य सांग विधा के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, जिन्होंने बहुत प्रयास करके इस विधा को आगे बढ़ाया है। तो रणबीर जब, हाँ यहाँ पर आपका देखिए शुरुआत हो जाती है इसकी, संक्षिप्त पद्मावत की। रणबीर सुंदर पद्मावत को सपने में देखता है, रणबीर को पद्मावत जो है सपने में दिखाई देती है। तो प्रेमिका पद्मावत को सुबह से ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, इतनी सुंदर लड़की उसको सपने में दिखी तो वो उसको ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ता है। अब सुबह सुबह प्रकृति का सौंदर्य कैसा है, वो यहाँ से सांग की शुरुआत होती है। भाई जो रणबीर है उसने सपने में पद्मावत को देखा और उसके बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब वो ढूंढने के लिए जा रहा है तो चारों तरफ का नजारा कैसा है, दिले लिकटिया पीली फटी चलने की सुरती रटी, न डरते फिरते करते रहे सैल बन की रे। जब बाहर शहर ते लिकड़े लंबे दरख्त खड़े, जहे चंदन के देखे बेड़े, खुशबोई होई खोई दुर्गंधी तन की रे। यहाँ तक मैं आपको मीनिंग बता, दिल लिकड़िया पीली फटी चलने की सुरती रटी, दिन निकल गया है पीली फटी चलने की सुरती रटी। अब जैसे ही दिल निकला तो उसने चलने की एक ऐसी सुरती रट ली, चलना है मुझे अब यहाँ से, चले जाना है, ना डरते फिरते करते रहे सैल बन के, ना डरते फिरते, ताकि वो चलते जा रहा है, बन में से निकलते हुए जा रहा है, डर नहीं रहा है और चलते हुए जा रहा है। और जब शहर बाहर शहर से निकल के आ जाता है तो यहाँ पर लंबे दरख्त खड़े हैं, लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं, जड़े चंदन के देखे बेड़े, और यहाँ पर चंदन के बीहड़ दिखाई पड़ रहे हैं उसको, और उसकी खुशबू जो है उस खुशबू में उसके शहर के जो बाहर तक निकल के आया था पसीना आया था, पसीने की दुर्गंध आ रही थी उस चंदन की खुशबू में, अब वो दुर्गंध खो गई है और चारों तरफ उसे पसीने की बजाय अब चंदन की खुशबू महसूस होने लगी है। जहाँ तला नीर तय भर के, ऊपर तय भमरे तर रे, सो शोर आनंद का कर रे, खुशी दिल में पल में जल में झलके जिनकी रे। कहते हैं जहाँ तला नीर तय भर के, जहाँ तालाब नीर से भरे हुए हैं, तालाब नीर से भरे हुए यानी पानी से भरे हुए हैं, ऊपर से भमरे तर रे, और वहाँ पर भमरे तैर रहे हैं, भमरे वहाँ पर घूम रहे हैं, जो शोर आनंद का कर रहे और आनंद का शोर कर रहे हैं, खुश होकर के आवाजें निकाल रहे हैं, खुशी दिल में पल में जल में झलके जिनकी रे, और जिनकी दिल की खुशी जो है वो जल में झलक रही है, पानी में दिखाई पड़ रही है, इतनी सुंदर यहाँ पर कुदरत है। और बोले कोयल पपी है मोर जी, उठे सावन कैसी लो जी, यहाँ पर कोयल पपी है मोर बोल रहे हैं और सावन जैसी लहर उठ रही है, मुनि व्रत धारण करें एक और जी, होशियार लार डार फिर निगरन की,
यहाँ पर और मुनि व्रत जो है, मुनि लोग हैं वो व्रत धारण किए बैठे हुए हैं एक ओर, और होशियार लाल डार फिर मिगरन की, और यहाँ पर हिरण ढूंढ रहे हैं, हिरण घूम रहे हैं। तो पद्मावती जहाँ पर रहती है वहां पहुंच गया है रणबीर। इस महल के सौंदर्य को देखकर किस प्रकार पद्मावती का प्रेमी रणबीर प्रभावित होता है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यहाँ महल के रंग रूप ताल तालाब सभी का उल्लेख करते हुए कहते हो, किसने महल बनाया सयों ढंग दुनिया ते न्यारा। तो ये महल किसने बनाया है, ये तो सारी दुनिया से न्यारा महल है। जर पर्दे जाली चक चांदी के झाकी दार चुबारा। तब यहाँ पर तो पर्दे जो हैं, पर्दे जाली सब चांदी की तरह चमक रहे हैं, और झांकीदार चौबारा चौबे जो चौबारा है यानी कि चौराहा है, ये झांकीदार यहाँ चारों तरफ झांकियां दिखाई पड़ रही हैं। जगह चकोटी नीम चोई में ऊंची छत दिवाई। ये जगह है यहाँ पर चकोटी पर ऊंचे नीम है और ऊंची छत, छत जो है काफी ऊंची है महल की, और तरह तरह के कूट मसाले चंगी करी लिपाई, और तरह तरह के मसाले कूट करके यहाँ पर बहुत सुंदर लिपाई की हुई है। लीपना कहा जाता है, इनके फर्श को लीपना, दीवारों को लीपना। लाल और पीले हरे गुलाबी रंग दे रहे थे रोशनाई, वहां पर लाल पीला हरा गुलाबी रंग जो थे वहां पर चारों तरफ रोशनी को रोशनी दे रहे थे, वो वहां पर उजाला कर रहे थे। देश देश की माया लूट के इस कमरे के लाई, मतलब देश देश की माया लूट के, पता नहीं कहाँ कहाँ से माया लूट करके इस कमरे में लाई गई है। छज्जे शीशियां आले ऊपर मोर फरसट ठहरा। तो यहाँ पर छज्जे जो है वो शीशे वाले छज्जे है, छज्जों में शीशे लगे हुए हैं, और ऊपर मोर फरसट ठहरा, और फर्श के ऊपर मोर खड़ा हुआ था। चौखट आगे चौक चौथरो दोनों ढप पकड़ाला, और चौखट के आगे चौक है, चौक के ऊपर आगे चबूतरा है। यहाँ पर जो है दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य है। खड़े किवाड़ जड़े शीशम के कुंदी लकड़ी न ताला, और दरवाजे जो है शीशम के हैं, शीशम की लकड़ी के दरवाजे खड़े हुए हैं जिनमें न कुंडी है न ताला है। फर्श गिलोरी संगमरमर के दिखे बहुत निराला, और फर्श जो है गिलोरी संगमरमर का फर्श है जो कि देखने में बहुत ही निराला दिखाई पड़ रहा है। सोने का पानी हुआ छत पे धन माया का गाला, और छत के ऊपर सोने के पानी से जो है क्या पेंट हो रखा है, और ये पता चलता है कि यहाँ पर कितना धन माया इनके पास है, बहुत अमीरों का कोई घर है। तो लक्ष्मी चंद ने पद्मावत की अपनी सहेलियों के साथ सरोवर में स्नान करने का जो वर्चित्र उभारा है वो भारतीय संस्कृति और परिवेश के हिसाब से है यहाँ पर, इसमें उन्होंने सखियों की बातचीत, उनके वस्त्र आभूषण, उनके मनोभावों को बड़ी बारीकी से उकेरा। वो कहते हैं गीत गावती चालेंगी जब लगन लाग्यो हर पे, मतलब गीत गाते हुए जाती है और जब लगन लगा लियो हर पे, मतलब जब लगन लग जाती है उनकी तो गीत गाती चलती है। इकट्ठी होके नहाने चलेंगी दो घड़ घर लियो सिर पे, इकट्ठी होके नहाने चलेंगी और दो घड़ यानी कि सिर पर वो घड़ा रख लेती है, दो घड़े रख लेती हैं। सिर चोटी के लगा बोला, और सिर पर बोरला लगा रखा है, मांगटी का जिसे कहते हैं हम लोग, बोरला होता है मोटा गोल जैसा, उसे पर बोरला लगा रखा है। साहर और डांडे बाल, और उनके बाल लंबे हैं। आंखिया में स्याही नाक में नथ थी, जुल्फ नाक सी काली, उनकी आंखों में स्याही यानी कि आंखों में काजल है, नाक में नथ है, और जुल्फे उनके बाल उनके ऐसे लगते हैं कि जैसे काला सांप हो। सिर पे ओढ़ा चीर जरी का मत जोवन का पाली, और सिर पर उन्होंने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ, जो चुनरी ओढ़ी हुई, इसमें जरी का काम है, जरी से सजा हुआ है वो, और युवा लड़कियां हैं। दामन ऊपर पड़ी तागड़ी झब्बे के में ताली, और दामन के ऊपर उनके तागड़ी है, मतलब कि दामन के ऊपर उन्हें एक जो जिसके ऊपर मटका रखते हैं गोल जो होती है उसको तागड़ी, दामन ऊपर पड़ी तागड़ी, तगड़ी पहनी हुई है जो कि झब्बे में के में ताली, जिसमें कि एक ऐसे तगड़ी पहनी हुई है कमर के ऊपर उन्होंने। घोर चलणियों हुरा आली जो पड़े तवाई नर पे, और से वो चल पड़ी हैं। बोली शक्ल अकलबंद पूरी ना ठाड़ी ना माड़ी, तो बोली शक्ल है और अकलबंद है, ना पूरी ठाड़ी है ना माड़ी है, मतलब ना छोटी है और ना ही पूरी तरह से अभी युवा हुई है। सबके धीरे बांधण खातिर गजब रेशमी साड़ी, और सबके धीरे सबके ऊपर से गजब रेशमी साड़ी पहनी हुई है। रेशमी कुर्ती कोहनिया तक की आधी भुजा उगड़ी, कोहनी तक की रेशमी कुर्ती पहनी हुई है और आधी भुजा उनकी खुली हुई है, आधी भुजा पर कपड़ा नहीं है। शरबती चूड़ी नरम कलाई चले टेम चिर नाड़ी, देखिए हाथों में उन्होंने नरम कलाइयों में शरबती चूड़ियां पहनी हुई हैं। चले टेम चिर नाड़ी, और उसके बाद इस तरीके से चलती हैं। परियों के साथ तीजन छा गया इंद्र कैसे नगर पे, और परियों जैसी सारी सारी जा रही हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नगर इंद्र का हो, इंद्र का नगर हो, इंद्र की नगरी में परियों जैसी ये जा रही हैं सारी की सारी। राम भजन का शोक लगनिया सबको बालेपन में, सभी को यहाँ पर राम भजन का शोक लागन्या सबको बालेपन, बालेपन में सबको राम भजन का शोक लग गया है। कर स्नान भजन करने का कया संकल्प मन में, और सभी ने अपने मन में भजन जो स्नान करने के बाद राम का भजन करने का जो है संकल्प किया कि हम अब भजन करेंगे। किसी चीज की कमी नहीं थी सखियन के तीजन में, और सखियों के तीजन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सोलह कला भरपूर खिला पूनम
किसे चांद गगन में, और वो इतनी सुंदर थी कि जैसे 16 कलाओं से भरपूर चांद पूर्णिमा के दिन खिलता है। गोरी श्यामली श्याम वर्ण की सुधराएं वर्णा थी, मतलब कि गोरी श्यामली श्याम वर्ण की, श्याम रंग की गोरी श्यामली काली सभी तरह की सुंदर बालिकाएं थी वो। झाल लाल लागती ताल की तन में सीलक रहे जिगर में, वो तब उनको देख करके और उसके बाद मन में ठंडक सी महसूस होती है। तो परमा पद पर ईश्वर राजी जो बने आना दिखे, परमा पद पर ईश्वर बहुत मेहरबान है कि जो इतनी सुंदर है। तो एक साधक किस प्रकार अपने परमात्मा को पाने के लिए बेचैन हो उठता है, ठीक उसी तरीके से लक्ष्मी चंद ने रणवीर के माध्यम से इसको व्यक्त किया है। जब रणवीर अपने सपने से जागने पर पद्मावत को मिलना चाहता है तो बहुत बेचैन दिखाई देता है। राज सपने में ही उस प्रेम के धागे में बंध गया था, उसकी तड़प यही है कि अगर वो न मिली तो ये संसार उसके लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए वो पलंग से उठकर सीधा सिंगल द्वीप की ओर कूच करता है जहाँ पद्मावत रहती है। रणवीर जब पद्मावत के महल पर पहुंचता है तो पद्मावत की सखियों से कहता है कि मुझे एक बार सुंदरी के दर्शन करा दो। जब सखियां दरवाजा खोल देती हैं तो दरवाजा खुलते ही रणवीर की आंखों में बिजली की सी चमक दिखाई देती है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही होता है जो साधक को चकाचौंध कर देता है। इसके बाद रणवीर उस पद्मावत के रूप का बखान करते हुए कहता है, जिसका रूप गजब का है, जिसके दांत मोती जैसे हैं, जिसकी नाक की नोक कलम सी है, यानी कि पद्मावत के नक्श की प्रशंसा करता है। खोलते किवाड़ किसी बिजली सी चमकी, जैसे ही दरवाजा खुला कोई बिजली जैसी चमकी, किसी तर 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 करती रही, किसी फर 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 फिरती, तो कोई तर 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 करती थी, कोई फर फर करती थी, रही हूँ दीदिया ने पाड़ नाक जैसे नोक कलम की, और मुझे ऐसे लग रही थी मेरी आंखों को जैसे कि फाड़ देगी उसकी जो नाक थी, इतनी जैसे थी कि नोक कलम की होती है इस तरीके से, और जैसे मेरी दीदों को मतलब मेरी आंखों को जैसे कि उसकी नाक जो थी वो मैंने देखा कि बिल्कुल कलम की नोक जैसे थी, नुकीली थी। वही रणवीर अपने गुरु रूपी मित्र जिसके साथ वो सिंगल द्वीप गया था, तो रणदीप अपने गुरु रूपी मित्र के साथ गया है सिंगल द्वीप, उसका नाम चंद्रदत्त है। तो चंद्रदत्त से अपने मन की बात कहता है, तो चंद्रदत्त जो है अपनी जिज्ञासा उसके सामने रखकर उसका शमन चाहता है। तो रणदीप जो है उसने चंद्रदत्त को जब बताया कि मैंने बाद में 11 सिंहों को देखा, बाग में मैंने 11 सिंहों को देखा है, उनमें राजकुमारी पद्मावत भी थी, लेकिन पद्मावत कौन सी थी, क्या वो स्नान जिसने स्नान करके फूल मंगवाए थे और उन्हें पांव से छूकर दांव से चबाकर दांत से चबाकर सीने से लगा काने में टंगोया काने में टांगा और फिर ऊपर सिर के ऊपर से मेरी तरफ से फेंक के चली गई। तो चंद्रदत्त कहता है कि उस स्त्री के चक्कर में से बचकर रहना, वो तुम्हें संकेतों में समझा गई है कि फूलों को दांत से लगाने का मतलब है कि यहाँ से चला जा वरना जूते लगेंगे, दांतों से चबाने का था तुम्हें काट खाऊंगी नहीं तो यहाँ से चले जाओ, छाती से फूल लगाने का मतलब तुम्हारी छाती फाड़ दूंगी वरना यहाँ से चले जाओ, कान से लगाने का मतलब तुम्हारे कान फोड़ दिए जाएंगे नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, सिर के ऊपर से फूल फेंकने का था तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगी वरना यहाँ से चले जाओ, इसलिए ऐसी स्त्रियों से विवाद करना ठीक नहीं है, यहाँ से शीघ्र चलो। लेकिन रणवीर कहने लगा, उस स्त्री के शील स्वभाव और मीठी वाणी को देखकर ऐसा अर्थ निकालना ठीक नहीं है, तुम समझदार हो इसलिए इन संकेतों का सही सही अर्थ बताओ। तो रणवीर जब हट करने लग जाता है तो चंद्रदत्त बताता है कि सुनो, फूलों को पांव से लगाने का उसका मतलब यह है कि उसका नाम पद्मावत है, दांतों से चलाने का अर्थ है कि वो दंतसेन की पुत्री है, कानों में लगाने का मतलब है कि वो कर्नाटक की रहने वाली है, सीने से लगाने का मतलब है कि वो दिल से प्रेम करती है, और सिर के ऊपर से फूल फेंकने का मतलब है कि मैं शीश महल में रहती हूँ। तो सारी बातें समझने के बाद रणवीर कहने लगा कि अब तो उससे मिलकर ही जाएंगे। उधर पद्मावत पर भी राजवीर के रूप का जादू छा गया, पद्मावत भी कहीं ना कहीं रणवीर को प्रेम करने लगी है, तो अपनी सखियों से परदेसी के दर्शन करवाने के लिए मनुहार करती है, विनती करती है। उसकी सखियां उसे व्याकुल और चिंतित देख करके कहती हैं, हे खेली खाई नहीं मैंने दुख मेरी ओर अब आया से, जिसकी मारी फिर भटकती वो चाल बाग में आया से, सामी होके लड़िया करे नरमाना अच्छा कोन्या, जित दोनों की राजी हो शर्माना अच्छा कोन्या। मतलब वो कहती है कि हे खेली खाई नहीं, आज ना तू खेली है ना तूने कुछ खाया है, तेरा दुख देख करके हमें तेरा दुख जो है वो बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा है, जिसके लिए तुम्हारी भटकती फिर रही है, चल वो बाग में आया हुआ है और सहमी होके लाया करें, मतलब सहमी होके नरमाना अच्छा कोने जो है सहमी होके लड़िया करें नरमाना अच्छा कोने, मतलब सहसी दूसरे लड़ ले, लड़ाई जहाँ पर करनी चाहिए वहाँ पर नरमाना ना, वहाँ पर नरमी अच्छी बात नहीं होती, और जहाँ दोनों राजी हों वहाँ शर्माना भी अच्छी बात नहीं। तो जिस तरीके से साधक जो है वह परमात्मा के लिए तड़पता है, उसी तरीके से परमात्मा भी अपने साधक से मिलने के लिए तड़पता है, यानी कि जिस तरीके से भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, ऐसे भगवान भी जो होते हैं वो भी भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। तो प्रेम में विरह की महत्ता बताई गई है, विरह की अग्नि में तपकर ही आत्मा और परमात्मा के मिलन से शुद्धिकरण का पता चलता है।
तो जहां रणबीर पद्मावत के लिए तड़प रहा था, वहीं पद्मावत भी रणबीर के लिए तड़पती हुई दिखाई गई। इसका किसी खेल कूद सार श्रृंगार में मन नहीं लगता। वो अपनी सखियों से कहती है, मेरा व्याकुल हुआ शरीर, मने तुम झूलन की कह रही, आज घड़ी झूलन की कोन्या। यानी कि कहती है, मेरा व्याकुल है शरीर, मेरा तो मन, मेरा शरीर व्याकुल है, तुम मुझे झूलने के लिए कह रही हो। ये घड़ी झूलने की नहीं है, इस समय झूलने का नहीं है। है किसे गोरे गोरे रंग का करना चाहूं थी अपने ढंग का, मुझे इस गोरे रंग का क्या करना है, मैं तो अपने ढंग का चाहती थी। किसे बांका छल अमीर छोड़ के चला गया बैरी, रात दिन झूलन की कोनिया। वो बांका छल मुझे छोड़ के चला गया, वो दुश्मन मुझे छोड़ के चला गया, ये झूलने का समय नहीं है। किसी गल में फांस चली कदे ईश्वर करेंगे भली, मतलब अब ईश्वर ही मेरी भली करेंगे। और गल में चली ईशक जंजीर, जान मेरे फंदे में फंदे, मतलब गले में तो इश्क की जंजीर पड़ गई है, प्रेम की जंजीर पड़ गई है। और अब मुझे गांठ जली खुलन की कोना, और ये गांठ जो है जल गई है, अब ये खुलने की नहीं है, अब ये गांठ जो जल चुकी है अब ये खुलेगी नहीं। अब कुछ ना बनता रोए से सहम न्यू है जिंदगी खोए थे, मतलब अब मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो मेरी जिंदगी ऐसे ही रो रो करके खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ना टो है तो मिले लकीर, इश्क नाम लग गया लहरी, तब ढूंढने से मेरी लकीर नहीं मिल रही है हथेलियों में, ये इश्क नाम का जो जहर है मेरे जहरी जहर के रूप में मेरे शरीर को लग गया। सिसकती मैं फूलन की कोनिया, मैं सिसकती रह रही हूँ। रणबीर भी तड़प रहा था, इसलिए गुरु चंद्रदत्त की आज्ञा पाकर वो भी पद्मावत से मिलने के लिए आता है। सदगुरु की वंदना करते हुए लक्ष्मीचंद सदगुरु सेवा कर कोई कोई अक्षर रणबीर पद्मावत के पास पहुंच जाता है और मिलकर अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करता है। पास सो गया थी अपनी मौज में, उड़े जा पहुंचा रणबीर, वो अपनी मौज में सो रही थी पद्मावत, तभी लगभग उड़ करके रणबीर वहां पहुंच गया। जड़ में बैठा जाकर उसके पास जाकर बैठ गया, तन में दारुण दुखला भोगे माशुक नींद में सो गया। मैं यहाँ पर अपना दुखिया रोने आया हूँ और माशुक मेरा नींद में सो गया है, घारण जोगा गोद में को पाके और जंजीर खा के, अंजीर खा के, मतलब यहाँ पर मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ। और जैसे कोई मर्द बिचलिया फौज में खड़िया चला बैठी, जैसे कोई मर्द जो होता है, कोई मर्द बीच में खड़े होकर फौज में खड़े होकर तीर चलाता है, लिख गया छाती के मक, ऐसे मेरी छाती से तीर की तरह से निकल गया है कि मैं आया हूँ और पद्मावती सो रही है। लेकिन आखिर में पद्मावती और रणबीर जो है आपसी मनमुटाव को मिटाते हैं, सारे गिले शिकवे दूर करते हुए एक हो जाते हैं और अंत में किस तरीके से अपनी बात करते हैं। पद्मावत धन भाग आज घर आया, पद्मावत कहती है कि आज धन्य भाग की घर पर आया, रणबीर तने पर मुश्किल भारी, रणबीर तुझ पर तो बहुत मुश्किल थी भारी, ना रहा तेरे किले का पाया, पद्मावत था जिलनिया, मैंने प्रेम तने पे तेम उतनी ही प्यारी थी, मतलब कि ना रहा तेरे किले का पाया, मुझे तेरे किले की राह नहीं मिल रही थी पद्मावत जो है, और मैंने प्रेम तने के मैं उतनी ही प्यारी थी, मुझे तुझसे उतना ही प्यार है और तू मुझे उतनी ही प्यारी थी। पद्मावत की भाषा की बात करें तो लक्ष्मीचंद का सांग है, हरियाणवी भाषा का उत्कृष्ट लोक नाट्य है। सामान्य जन को पद्मावत और रणबीर की प्रेम कथा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन का संदेश दिया गया है। सूफी काव्य से प्रभावित लोक काव्य है यह, जैसे सूफी में आत्मा परमात्मा की बात होती है प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से, ऐसे ही लक्ष्मीचंद ने रणबीर और पद्मावत के माध्यम से बात कही है। जनसामान्य की भाषा है ये, और जो वहाँ के लोग थे जहाँ के लिए लक्ष्मीचंद जी ने लिखा था, वहाँ के लोग इसी भाषा को बोलते हैं। तो लक्ष्मीचंद की भाषा हरियाणवी थी, जो कि स्वभाव से अक्खड़ और फक्कड़ होती है, जिसमें कर्कशता होती है थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने इसे लयात्मक रूप देकर के बड़ी सुंदरता स्थापित की। हरियाणवी बोली के शब्द ही नहीं बल्कि युगीन भाषाई शब्द भी है इसमें। उनकी भाषा में तत्कालीन समाज, संस्कृति, परिवेश, रंग रूप आदि के भी सहज भाषा के रूप में निर्मित किया है। स्थान स्थान पर संवादात्मक शैली है इसमें, और भाव भाषा कला कौशल की दृष्टि से लक्ष्मीचंद ने एक अद्वितीय लोक नाट्य की रचना की। पंडित लक्ष्मीचंद से पहले जो सांग लिखते थे वो बाजे भगत थे, उनका काफी नाम हुआ करता था। लक्ष्मीचंद जो थे आशु कवि थे, उन्होंने अपने किसी रागनी को दोबारा कभी कहीं नहीं गाया, उनकी एक खासियत रही है। तो निष्कर्ष यही है कि हरियाणा के सांग साहित्य को नया मोड़ पंडित लक्ष्मीचंद ने दिया है। कबीर की तरह ही लोक भाषा में विद्वान और प्रेम के मार्मिक चित्रण में लक्ष्मीचंद बेजोड़ थे। तो ये था आपका पद्मावत सांग का संक्षिप्त पद्मावत, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। और इसी के साथ आपका हिंदी का मौखिक साहित्य का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब एक मैं आपका इसका वीडियो बनाऊंगी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो इतने आप लोग इन सभी को देखिए, पेपर से कुछ दिन पहले ही मैं आपको बहुत जल्दी ही बना दूंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पूछना है तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।